ईशा कामरा फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आज दिन की शुरुआत करें, नए ब्लॉग की स्टार्ट कर रहे हैं। जय झंडे वाली माँ, जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम बाबा, ओम नमः शिवाय। तो भगवान जी को सबको याद कर दो, दिन बहुत अच्छा जाता है। जोत जलाओ, अपना दिन अच्छा जाता है। सुबह शाम में तो जोत जलाती हूँ तिल के तेल में। तो गाइस, कल बहुत इंजॉय किया पार्टी में, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती करी, बहुत नाचे टपे, बहुत अच्छा लगा। तो बस गाइस, परी को थोड़ा फीवर हो गया, तो परी थोड़ा कुछ ठंडा वंडा खा लिया होगा, पता नहीं। वो फ्रेंड के साथ अपना घूम रही थी, खेल रही थी, तो उसको तो बस बच्चे चाहिए। जहाँ बच्चे मिलते हैं वहाँ अपना मस्त हो जाती है, इन्जॉय पूरा करती। कल परी ने बहुत इन्जॉय किया, तो अभी बस अभी परी को मेडिसिन दी, अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर शाम को डॉक्टर पास लेके जाएंगे सुनील जी के साथ। तो आज लंच बनाएंगे कड़ी साथ में चावल। आप बेटा ठीक हो? आप तबीयत ठीक है आपकी? हैं है बेटा, आप ठीक हो? तो गाइस, कल हम फंक्शन से आए हैं लेट, आपको पता ही है। बस आगे रात को सो गए थे, सुबह उठे तो देखा परी को इतना तेज फीवर, इतना तेज फीवर। मैंने निशा को कहा जाके इसको दवाई दे फटाफट, और ये काका आप 2:30 बजे दोपहर को उठाए और दवाई नहीं पी रहा। आज मैं इसको इंजेक्शन लगवाऊंगा डॉक्टर से आज। है बेटा, पिएगा ना दवाई? पिएगा ना? पिएगा ना? नहीं पिएगा ना? हाँ देखो, अब आपके सामने गाइस कैरी पीऊंगी, और अभी थोड़ी देर में जब मैं पिलाऊंगा तो पिएगी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, आपको कह रही ना पीऊंगी, और थोड़ी देर में पिएगी नहीं। ठीक है निशा, देखते हैं। चल अम्मी, हाँ ठीक है। थकावट उतरी नहीं उतरी? अरे नींद क्या, रात को कितने बजे? 3 बजे तो आए थे, सोते तो 4 बजे, कपड़े उतारे 4 बजे, 4 बजे सुबह नींद पूरी हुई। सुबह सुनील आ गया, बन्नू कह रहा पूजा इतने बजे खराब हो गई है, उसकी दवाई लानी है। वो ठंडा वंडा पी लिया होगा ना, उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने बोला सामने केमिस्ट्री बांध दो, कह रहा बंद है। मैं कहा 10 बजे खोल लेता, अभी खोल लेगा 5-10 मिनट में। परी को बुखार हो रहा? हाँ, पर परी को भी है ना, मौसम ये हो गया ना। अरे कल थमी नहीं थी लड़की, कल है ना वहाँ भाग रही थी कव्या के साथ, नहीं खेल रही थी काव्या के साथ, और एक लड़का और था उसके साथ डांस, रुकी नहीं रही थी। इसको बहुत अच्छा लग रहा था कल, बहुत इसने एंजॉय किया। अरे जोर से ज्यादा इसने खेली कूदी ना वहाँ, तो आज इसको फीवर चढ़ गया। आज तो मुरझाई पड़ी है, सुबह से ही मुरझाई पड़ी है। सुबह तो दवाई नहीं पीती ना, दिक्कत ये है। अब तू उसको ना उठे ना मेरे पास ले लो, अगर दवाई पी लेती ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास चलते हैं, इसको इंजेक्शन लगवाते हैं। हाँ भाई, सोचा मैंने भी, आजकल वो डॉक्टर के पास भीड़ हो रही है, कह रहे ये वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है बुखार। तो मौसम चेंज हो रहा है ना, कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है, उसी चक्कर में हटी हूँ उसको। पर बाकी मैं तो गई हूँ, मैं तो अभी भी पैर दर्द करे, थकावट होगी मेरे को बहुत। कहीं जाओ टाइम इतना लग जाता है, कितने 10 बजे निकले, कितने बजे? हम 9 बजे निकले थे, 10:30 पहुँचे थे। 9 बजे निकले और रात को कितने बजे? 3 बजे पहुँचे। 3 बजे आया, 3 बजे पहुँचे, सबसे लेट हम ही आए हैं। हम भी लेट आए थे। चलो प्रोग्राम तो बढ़िया था, प्रोग्राम तो अच्छा था, मजा आ गया, सबने एंजॉय खूब किया। नहीं प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। ललता अगर देख रही है ना ये ब्लॉग, देखे तो बहुत अच्छा, बहुत मजा अच्छा आया था, बहुत ज्यादा बढ़िया आ गया। सही है, सबने एंजॉय खूब किया। चलो ठीक है, चलो अब शादी की वेट करेंगे। शादी कह रही थी जनवरी फरवरी में करूंगी। क्या हाल परी के डैडी? बढ़िया परी मम्मी, बड़े मजे ले रहे हो तुम गाने को? भक्त भक्त मत बनना, बन मत जाना ज्यादा, एक केशवर नारायण करते रहते हो, मुझे टेंशन हो जाती तुम्हारी। पर को हल्का सा फीवर है, अब दवाई पिलाओ, दवाई नहीं पीती थी। अरे दवाई पी ले तो टाइम, मैं कह बुखार दोबारा चढ़ेगा ही नहीं उसको। तभी मैं बोल रहा था फंक्शन में ना, उसे ज्यादा वो मत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पिला। मैंने खिलाई है? खिलाई किसने है ये बताओ ना फिर। मैं तो नहीं दी, मैं तो दूसरी चीजें ला के दे रही थी, कभी फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये तुम्हें खाने दे, खाने दे, खाने दे, खाने दे, क्या बोल रहे हैं? चाय पियोगे पैन के साथ?
क्या लगी हुई है, घंटे से मैं बुला रहा हूँ, परी की तबीयत खराब है बेचारी की, तो क्या कर रही है? ठीक कर दिया परी को तुम्हारी है, परी शाम को दवाई ऐसे हो रही है, डॉक्टर सही है, अब देखने लग गया ना, हमेशा इसी से लिया कर दवाई होगी डॉक्टर मत छोड़ो। अरे वो डॉक्टर की बात कर रही है दिशा, अरे डॉक्टर से उल्टी करती, हाँ चल उल्टी तो चल, नहीं मैं कह रहा हूँ चल उल्टी कर दी जो भी है, अब ये डॉक्टर का ना इसी से इलाज करो, परी कर दी हाँ इसी में कराओ, बाकी चक्कर मत डालो, हाँ नहीं दवाई खाई है तो ठीक होगी, शाम को तो ऐसे होगी, मुझे तो लगा भैया उसने ग्रेप्स वाली दवाई दी है, मीठी वाली फ्रूट वाली, फ्रूट वाली, हाँ फ्रूट वाली दवाई दी है, चल ठीक है बना जल्दी से, दे बना सबको दे रोटी फटाफट, आपका दवाई पीने का टाइम हो गया, आप अपने आप पी लोगे ना दवाई, आप पे मम्मी को ले, मम्मी मम्मी पिएगी दवाई आज, पहले ले भाई मम्मी ने पी ली, ओए अब परी पिएगी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, डॉक्टर बहुत अच्छा है ये, हाँ स्ट्रॉबेरी देता है, ले बेटा ले, मम्मी तू पानी ले आ, इसके बाद पानी पिएगी मेरे परी, ये ले बेटा पी ले, पी ले बेटा, पानी लाओ मम्मी, पहले पानी लाओ। तो गाइस अभी बस घर आया हूँ, परी को दवाई दिलवाई है डॉक्टर से, तो मैं आपको क्या बताऊँ, आज पूरा दिन ना इसकी बेहोशी की तरह लेटी हुई थी आज परी, इसको ना कल ठंडा पी लिया इसने, उसको कोल्ड ड्रिंक सूट नहीं करी है ना, वहाँ क्या पिया था निशा ने, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम, क्या आप हमसे पूछ रहे हो, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, पिलाने वाला कौन था, तो गाइस इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और वहाँ पे आइसक्रीम भी खा ली, तो इसका सुबह हो गया गला खराब, सुबह इसको जुकाम और इसको बुखार, सुबह हमने इसको दूध पिलाते हैं, इसको सुबह दूध पिलाया जैसी उल्टी आ गई, ठीक है उल्टी आ गई और इसको तपरी, हमने फिर दवाई पिलाई, दवाई ना पिए पूरा दिन, शाम तक तो और ज्यादा हो गया फीवर, कितना था फीवर, 101 तो डॉक्टर के पास हमारे शॉप के सामने डॉक्टर है, तो हमने फिर उसको दिखाया, हम शॉप पर गए, इसने वहीं पर उल्टी कर दी निशा, हाँ तो इसने फिर दवाई, फिर आती डॉक्टर से आए, दादी ने इसको दवाई आज पिलाई, तो तब जाके इसकी आवाज निकल रही है, देखो अब रात को पूरा दिन इसकी आवाज नहीं निकली निशा, मेरे को तो आज हो गया, मैं कहा इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ जाएगा बेटी को, आज सारा दिन अब जाके इसका फीवर उतरा है, थोड़ी अब ठीक हुई है, अब शुक्र करें भगवान सुबह इसको फीवर ना चढ़े, तो सुबह स्कूल भेजेंगे, और अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो नहीं भी नहीं भेजेंगे, कल नहीं भेजना, अरे है परी कल स्कूल नहीं जाएगा, जाएगा। तो गाय निशा मना कर रही है कि कल स्कूल नहीं भेजना, तो नहीं भेजेंगे कोई बात नहीं, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, देखो हमारी बेटी कितनी मुरझा गई है ना, कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाओगे आप, डैडी आपके पास है, मम्मी आपके साथ है, डैडी आपके पास है, सारे घर में आपके साथ है, मम्मी ने कितनी मालिश की थी आपकी वॉल से, करी थी ना, बताओ डैडी को कैसे कर दी, बता दो करके, ऐसे मालिश कर दी मम्मी ने आज, चलो गाइस आज के ब्लॉग इसी खत्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।